तो भाई अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी 1 बज रहे हैं, मतलब 1 या 1:30 बज रहे हैं, और कल 3 बजे बारिश आई थी रात को, सॉरी सुबह आई थी कल 3 बजे, और आज आज भी सुबह ही आ रही है 1 बजे। तो भाई खतरनाक सा माहौल बन चुका है। ओए हाय क्या बादल कड़क रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही है इधर से उधर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल रात को देखा आपने बारिश कितनी तेज आ रही थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो शायद शुरुआत में दिख गई होगी आपको, खतरनाक बारिश आ रही थी भाई सुबह सुबह की। और अभी तो धूप आ गई है, मतलब कल भी आई थी सुबह इतनी तेज बारिश, जब हम 3 बजे ज्ञानिश को छोड़ने जा रहे थे, जयपुर गए थे, तब भी बारिश आ रही थी, और आज भी सुबह खतरनाक बारिश आई थी भाई, मतलब जोरदार ही बारिश आ रही थी। और मौसम तो अभी भी मस्त हो रहा है, लेकिन धूप तो आ रही है फिर भी थोड़ी थोड़ी। देखो पीछे दिख रही है, ये गोल गोल दिख रही है पेड़ की वजह से, यहाँ पे पेड़ उगा हुआ है देखो इधर, इसलिए पेड़ों की वजह से गोल गोल दिख रही है धूप। तो अभी मैं वीडियो एडिट करूँगा, क्योंकि यार कल रात को करी नहीं मैंने, क्योंकि मैं जल्दी सो गया था। जल्दी सोने का रीज़न भी तो यही था कि मैं सुबह 3 बजे उठा था, और फिर दिन में भी थोड़ी बहुत देर ही सोया, और उसके बाद रात को जल्दी नींद आ गई थी। खाना खाते ही मैं बाहर गया 5 मिनट, और नींद आने लग गई। तो फिर मैं अंदर आया, थोड़ी देर हल्की फुल्की सी वीडियो एडिट करी, और 2-4-5 मिनट होता है ना मोबाइल चलाने के बाद, तो भाई खतरनाक नींद आने लग जाती है। तो ऐसी नींद आई मस्त वाली, मैंने मोबाइल भी चार्जिंग पे नहीं लगाया। फिर सुबह उठा ना, अभी सुबह नहीं मतलब जब मैं रात को उठा था ना बारिश देखने के लिए कि बारिश आ रही है बहुत तेज, तब मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, और अभी तक 100% हो गया। अब मतलब सही चल रहा है मेरा चार्जर, मैंने केबल चेंज कर दी, मेरे पास एक टूटी फूटी केबल पड़ी हुई थी वही लगा दी मैंने, तो उससे सही हो रहा है चार्ज। अब वो वाली केबल में पता नहीं क्या हो गया। तो भाई एक बंदा कमेंट कर रहा था कि आपके मोबाइल का सॉकेट ख़राब हो सकता है, तो भाई सॉकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लीड में प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है अब। तो पहले वीडियो एडिट कर लेता हूँ मैं, और किट्टू तो खेल रही है अभी भी चाची के घर में, यश के घर में खेल रही है, वो होती है ना मैगनेट छोटी सी स्पीकर की गोल वाली इतनी सी है, तो उससे ही खेल रही है वो। उसको गेट पे लगा रही, लोहे के गेट पे, और वो अपने आप ही चलती चलती नीचे आ रही है, तो ऐसे ही खेल रही है बस वो। चलते किट्टू के पास, और वीडियो तो एडिट कर लूँगा मैं, 5 बजे अपलोड करनी है तो हो जाएगी वीडियो एडिट, तो आराम से 1-1.5 घंटा लगेगा, तो हो जाएगी वीडियो तो एडिट। तो अभी तो पहले किट्टू के पास चलते, उससे थोड़ी मस्ती करते। और आज मैं ब्लॉग सोच रहा हूँ कि थोड़ा कम बनाऊंगा, क्योंकि यार आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता मैं, कम से कम 17-18 मिनट का वीडियो बन जाता है रोज का। तो आज देखूंगा जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा बनाऊंगा। और आपको कैसे ब्लॉग लगते हैं, मतलब बड़े ठीक लगते हैं या फिर छोटे देखना पसंद है? वैसे भाई मेरा बताऊँ मैं तो, अगर किसी का ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मेरे सामने आता है तो मैं उसको नहीं देखता हूँ, देखता हूँ मतलब 50% देख लेता हूँ बस, क्योंकि यार बोर होने लग जाते हैं आगे। तो फिर इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैं भी कम से कम वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लगभग 9 या 10 मिनट की बहुत है। तो इससे खेल रही है येरी छोटी अरे सी। भाग दो, अरे भाग दो, अरे हाँ दिखा कैसे खेल रही भाग है, दिखा ऐसे खेल रही है, नहीं ऐसे खेल देख मैं बताऊँ, देखिए दो। इसको ने ऐसे छोड़ दे, ओ भाई ऐसे खेल, अभी तो खेल रही थी तू बेटी बंदा चला। पूरी अरे पूरी स्क्वाड और यहाँ पे पूरी स्क्वाड को संभाल लेता अकेला। अभी तो फिलहाल भी मर गया, क्या फोन मर गया? नहीं मर गया फिलहाल। मैं मर गया? तो ये कौन खेल रहा, दीपेश? ये दीपेश खेल रहा है क्वार्टर वीडियो तो खतरनाक। तो जोन में सब नहीं नहीं कितना नहीं फर्स्ट जोन है कितना तो। अंदर चला जा रहा है जोन के, यहाँ पे देखो कोने में कितना अंदर चला गया जोन के। ओ भाई ये जिंदा करने जा रहा है क्या हाँ इतना अंदर? फर्स्ट जोन है, नहीं काटेगा। अभी मेरी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे मेरे को वीडियो एडिट करने में, और आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई, कम से कम 20 मिनट की। तो एक एक चीज़ को देख के उसको काटना, अच्छे से सब कुछ करना, तो ऐसे वीडियो में काफ़ी टाइम लग ही जाता है। और कल रात को जब बारिश हुई थी ना, तो अभी ठंडक इतनी अच्छी हो गई है मस्त वाली, तो मैं तो बिना पंखा चला ही आराम से पलंग पर लेट गए और वीडियो एडिट कर रहा था। और किट्टू भी बाहर उधम कर रही है, वो उधम के अलावा और है भी क्या उसके पास, तो उधम ही करती रहती है वो, कभी किसी से छेड़ करती है कभी किसी से छेड़ करती है। तो अभी चलते हैं उसके पास, कहाँ है ये, बाल सुतवा रही है। ए, ले तेरे तेरे बाल में काट दूँ क्या किट्टू? हैं गंजी कर दूँ देखो? हैं
अभी तो काटे थे ना, जीजी ने काटे थे ना तेरे बाल। कौन एनी को तो गंजा कर दिया उसके पापा ने। हां एनी को गंजा कर दिया उसके पापा ने। आपने अभी तक बताया नहीं यार कि एक चैनल, एक मोबाइल में दो चैनल वेरीफाई कैसे करें। मैंने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो देखी है, लेकिन वो ऐसे ही जैसा वो सब कुछ बताते ना वैसा मेरे मोबाइल में हो ही नहीं पाता। मतलब मेरे क्या किसी के भी मोबाइल में हो ही नहीं पाता। मैंने एक फोन से नहीं, दो फोन से करके देखा है वैसा तो, लेकिन हो ही नहीं पाता एक मोबाइल में दो चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं। मैंने ये सर्च करा था यूट्यूब पे, आई काफी सारी वीडियो आ गई थी, ऐसी बात नहीं कि एक भी नहीं आई, काफी सारी वीडियो आ गई। लेकिन है ना उसमें ये बता रहे कि पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना क्या क्या बता रहे हैं। तो भाई मेरे तो समझ से बाहर था वो, मैंने करा भी लेकिन हो ही नहीं पाया जैसा वो बता रहे थे वैसा हो ही नहीं पाया था। वीडियो एडिट करने के बाद मैंने दोनों गाड़ी मेरी साफ करी पहले तो, क्योंकि यार कल बारिश आई थी तो पूरी मिट्टी मिट्टी में हो गई थी गाड़ी। मतलब धूल धूल उड़ती है तो धूल गाड़ी पे चिपक जाती है, और पानी आता है तो फिर बूंद बूंद सी बन जाती है, दोनों गाड़ी पे बूंद बूंद बन गई थी। तो पहले मैंने गाड़ी को अच्छी तरह साफ करा अच्छे से, और फिर मैं अमन भैया के घर पर चला गया था तो उनकी भी वीडियो एडिट करी और अपलोड करी। तो उनके चैनल पर कम से कम 17 या 18 वीडियो अपलोड हो गई, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है भैया के चैनल पे, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी ग्रो हो रहा है भैया का चैनल। और एक वीडियो पे तो 1.1K व्यूज भी जा चुके हैं, और काफ़ी अच्छा वॉच टाइम भी मिला भैया को उस वीडियो पे, और काफ़ी अच्छी मतलब रीच गई थी वो वीडियो, क्योंकि यार थंबनेल ही भैया ने कुछ ऐसा बनाया था अट्रैक्टिव। वैसे तो स्क्रीन शॉट लेके भैया थंबनेल बनाते, तो वो स्क्रीन शॉट लगा लगा दिया था भैया ने, लेकिन यार अट्रैक्टिव बना था। और अभी अभी मैं घर पर आया हूँ और किट्टू के घर में हूँ मैं। किट्टू तो यहाँ पर सब्जी बनवा रही है, उसकी मम्मी के साथ है वो बेटी। यहाँ से जाने का रास्ता है इनके रसोई में, तो अब मैं भी खाना खाऊंगा यार। देखता है घर में खाने में क्या बनाए, घर पे तो बनता ही है, खाने में क्या बनाए। और कल वाली वीडियो पे देखा होगा आपने कि है ना मेरी वीडियो वायरल हो रही थी, मतलब इंस्टा पे जो मैं रील्स बनाता हूँ ना उस पर दो वीडियो वायरल हुई मेरी, मतलब अच्छी खासी रिस्पॉन्स है उस वीडियो पे भी। एक पे 16,000 व्यूज आए, और अभी बढ़ते जा रहे वो धीरे धीरे, और लाइक भी कम से कम उसमें 1,000-2,000 के पार हो गए, और मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लाइक भी बढ़ते जा रहे हैं और फॉलो भी बढ़ते जा रहे हैं, और उस पर वीडियो पे व्यूज भी अच्छे खासे आते जा रहे हैं। मतलब कि आज थोड़ी बहुत वायरल हुई है वो दो वीडियो, और दो वीडियो पे भाई इतना खतरनाक रिस्पॉन्स है ना, अभी तक की सबसे बढ़िया वीडियो चली वो मेरी दोनों। तो देखना जरूर, मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने इंस्टाग्राम का, तो जाओ जाके फॉलो करो और वीडियो भी देख लेना। और कुछ भी बात आप जो कमेंट में नहीं कर पाते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप। तो आज खाने में तरबूज और आलू बैंगन की सब्जी रोटी। अभी मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी है, और काफ़ी देर से मैं यहीं खड़ा हूँ रौनक के साथ। भाई पुरानी बातें मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। पहले हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा होता था, ये टंकी है ना, ये यहाँ पे जो नीचे टंकी रखी है तो इस पे बैठ के, और ये भी उस तरफ खड़ा होता था। उस समय ये दीवार नहीं थी, तो हम दोनों बातें करते थे ऐसे ही भाई काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद ये दीवार बनी तब भी हम बात करते थे भाई, मैं इस टंकी पे चढ़ जाता था और ये बाउंड्री पे चढ़ जाता था, तो ऐसी बातें करते थे। अब मैं जाऊंगा घर के अंदर, अभी चाय बन रही तो चाय पियेंगे अब। तो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम दोनों ऐसी बात करने लग गए। मतलब मैं यही था, मोटू से उदम कर रहा था, यहाँ पे बैठ यहीं बैठी रहती है वो कई बार, क्योंकि यहाँ पे अच्छी हवा चलती है ठंडी, और अभी तो काफ़ी ठंडक भी हो रखी है, क्योंकि कल रात को और परसों रात को भी बारिश आई थी, सुबह आई थी रात को नहीं। तो ऐसे ही पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पे आ गया मैं। मोटू से बात कर रहा था मैं, मतलब उदम कर रहा था उससे, तो रौनक ने आवाज़ सुन ली मेरी तो वो भी आ गया भाई। फिर हम खड़े होकर ऐसी बातें करने लग गए। तो ऐसे ही थोड़ी देर तक बातें करी इससे रौनक से। अब मैं जाऊंगा घर के अंदर, चाय बन रही है। और पहले जब ये दीवार जब छूटी थी ना, तो ये दीवार मतलब यहाँ तक थी नीचे, जहाँ पे तुलसा जी का पेड़ आ रहा ना यहाँ तक थी, शायद इससे भी छोटी थी, ऐसी बनी हुई थी पुराने ज़माने की जो दीवार होती है, तो वैसी बनी हुई थी। तो कभी ये मेरे घर में आ जाता था तो कूद के, कभी मैं इसके घर में चला जाता था ऐसे ही खेलने के लिए, कभी पतंग उड़ाने के लिए, कभी ऐसे ही मतलब खेलने के लिए। बैट बॉल खेलते थे हम इसके यहाँ पे, पीछे भी काफ़ी बड़ा एरिया है तो उधर बैट बॉल खेलने की जगह काफ़ी अच्छी है, तो उधर चल जाता था मैं पहले। अभी जस्ट मैंने अभी जस्ट मतलब नेट ऑन करने के बाद मैंने चलाया था इंस्टाग्राम, तो भाई उस पर भी आज सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे रील्स, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। 1K तो लाइक आ गए उसके ऊपर, और 1.5K या फिर ऐसे कुछ व्यूज़ भी चले गए, मतलब अब सही है व्यूज़ के हिसाब से लाइक भी आ रहे हैं, तो यार काफ़ी अच्छी वीडियो जा रही है उस पर। तो किसी ने नहीं देखी तो देखना ज़रूर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, तो जाओ और जाके देखो और फॉलो भी कर लेना। और कुछ जो बातें होती है कमेंट में नहीं कर पाते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। तो अभी चाय पीने के बाद ही खेलने लग गई बलून से, भैया ने दिया था इसको, अमन भैया ने दिया था बलून। देखो भैया पानी भर भर के खेल रही है, इसके अंदर मान नहीं रही है, इससे छीन रहे तो दे दे मेरे को, दे कब आ गई, दे 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 दे
दे दे ओ मार दे। अच्छा ले ले ले, देख फैला दिया सारा पानी। और अभी ये चक्री लेके आ गया मैं, भारी भैया लेने आ रहे हैं अभी, किसी को देनी है तो अभी आई रहे भैया। देखो वहाँ से नल में से भरती है पानी, अम्मा के नल में से। किट्टो ये देखो, देखो अम्मा ये आपका पानी, देखो देखो अम्मा मान ही नहीं रही है, तो आप मारो इसको। चल अब जा, बलून भरते हुए पकड़ी गई एक लड़की, ये दीपेश से डरती है भाई खतरनाक। एक बार बोल दे छोड़ दो किट्टू, वो ले गया भाई ले गया इसको, मैं ले के आता हूँ, रोने लग जाएगी नहीं तो अभी थोड़ी देर में आ जा। तो भाई इतना कितना तेज हो रहा है ना, आ गया मजा, पकड़ी गई बलून फुलाती हुई। अभी तो अम्मा मारेगी वो अलग, देखो जब भाग जा अम्मा के पास जा, जब अम्मा मारेगी देखो। मैं ऊपर छत पे, और जैसे ही तिरपाल डाला हुआ है ना वैसे ही पापा वहाँ पे चद्दर भी लगा रहे हैं, भैया के घर से लेके आया हूँ मैं, मन भैया के घर से। तो यहाँ से ही पानी टपकता है नीचे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। क्या कह रही है, पतन उड़ लिया है, तो यहाँ पे लगाएंगे पापा दो चद्दर, तीन है यहाँ पे, पता नहीं अब दो लगाएंगे या तीनों लगाएंगे, तीनों लगा दोगे यहाँ पे। देखो कैसे गड्ढा हो रहा है अब, ये पता नहीं यार कैसे हुआ ये। तो ये आंधी तूफान की वजह से हो जाता है यार, वो देखो उस तरफ वाली चद्दर गल रही है ज्यादा ही, तो उधर लगाएंगे दो चद्दर, और नीचे जो पानी टपकता है वो बंद हो जाएगा टपकना। अभी देखते हैं यार, ये शायद बराबर की नहीं है चद्दर, अभी करना पड़ेगा कुछ तो जुगाड़। और यहाँ पे केरी आ रही है यार, केरी मन कर रहा है तोड़ के खाने का। दो वो आ रही वहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है यार, कितनी सारी आ रही है। हैं क्या है, तो ये अमरूद। हाँ। अभी वो वहाँ से सफाई कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर छत पे से, वहाँ से पतंग उड़ाएंगे भैया वगैरह सब आएंगे। और देखो एक पतंग तो उड़ भी रही है उसकी छत पे से, क्या क्या बड़बड़ा रही तू, क्या अमरूद, बहुत सारे अमरूद भी आ रहे हैं हमारे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं अभी, तो काफी टाइम लगेगा इनको अभी तो बड़ा होने में, बहुत सारे आ रहे हैं यार अमरूद तो। और चद्दर भी लग गई है, पापा ने लगा दी, बोरे पापा ले भैया, और भैंस की गया। तो एक तो पतंग उड़ रही है आज तो बहुत ही कम उड़ रही है यार, पतंग कोई उड़ा ही नहीं रहा। तो अभी भैया की और मेरी पतंग उड़ गई है भाई, हम दोनों पेच लेंगे एक ही छत से, दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। और नीचे भी ये बेटा ने, इसकी तो काट दी भाई पतंग मैंने, इसकी तो फंस गई थी तो ऐसे ही कट गई बस। और दीपेश ने यहाँ चक्री पकड़ी है, आज देखते हैं भाई क्या होता है, भैया की मैं काट पाता हूँ या फिर भैया की मैं, ओ भैया मेरी काट देते पतंग। तो दोनों की काली काली है और लंबी कर रहे हैं अभी दोनों, और एक वहाँ भी उड़ रही है बहुत आगे उड़ रही है, दिखी नहीं रही है, तो ये दो तो देखते हैं। करो ना भैया लंबी करो, और क्या मेरी तो बहुत लंबी है पतंग, और वहाँ पीछे भी काफी सारी उड़ती है यार, वहाँ पे उस तरफ उड़ती है काफी सारी, दिख नहीं रही है अभी। लंबी कर दी थी मैंने पतंग भैया की तो कट गई ये, अब भैया दूसरी उड़ाएंगे। चले गए उस वाली पन्नी के पास, चलते हैं वीडियो पे। चले पूरा भी आ गया, और इन दोनों के पेच हो रहे, ले भूरा कटवा दी बस, मैं पहले बोल रहा था नाम रोशन करेगा भूरा, तू नाम रोशन करेगा। और यहाँ पे नीचे इतना सारा उलझा दिया इसने, ये कितना सारा उलझा दिया साले भूरा ने। अभी उड़ा ली पतंग मैंने, काटी दो तीन पतंग काटी, एक तो भूरा ने कटवाई थी मतलब दो काटी, एक तो वहाँ पे पन्नी की पतंग उड़ रही थी जो, और एक भैया की, ये देखो हाँ वो भूरा ने कटवाई है, मैंने थोड़ी काटी है। हाँ तो कटी ना भैया, वो भूरा ने कटवाई है भाई, और अभी भैया की है ना अपने आप ही टूट गई पतंग जो भूरा की, और पेच हुए थे ना तो उधर देखो पीछे की तरफ यार दिख ही नहीं रहा, वो देखो वो जो पीछे काली वाली पतंग उड़ रही है ना वो कहीं पे अटक गई, भैया की टूट गई थी यहाँ से, पतंग टूट गई यहाँ से और वो वहाँ पे जाके कहीं अटक गई, तो भाई अपने आप ही उड़ रही है वो। तो अभी मैं सोच रहा था भैया ने बोली कि ना अभी तू तेरी पतंग उड़ा और उसको काट दे, तो हम सोचे यार हवा चल रही जब तक उसको उड़ने तो देखते कब तक उड़ती है। उड़ाने के बाद मैं चला गया था भैया के घर पे, फिर भैया के घर पे से आए तो सब बैठ गए थे दीपेश के घर पे जाके, क्योंकि वहाँ पे कुछ बातें बातें कर रहे थे। और आज दीपेश की मम्मी का बर्थडे भी था, नहीं कल था उसकी मम्मी का बर्थडे, लेकिन केक आज कटवाया था क्योंकि कल मिला नहीं था या फिर पता नहीं क्या था भाई मेरे को नहीं पता, तो आज भैया से मंगाया केक और उसके बाद कटवाया केक।
फिर उसके बाद हमने वहीं थोड़ी देर बैठ के बातें करी, आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके पापा ने मंगा रखी थी आइसक्रीम, तो सबको खिलाई उसके पापा ने। आज खाना भी जल्दी खा लिया था मैंने, तो खाने में आज बना था गट्टे की सब्जी और रोटी। तो भाई मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज के वीडियो में भी काफ़ी मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।